हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो कि अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग या विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो चलिए हम पहला उदाहरण बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं चार। तो कैसे पता करेंगे संख्या भाज्य संख्या है या नहीं? तो चलिए, चार को अगर हम एक से भाग देते हैं तब भी भाग हो जाता है। चार को हम दो से भाग देंगे तब भी ये भाग हो जाएगा। चार को हम चार से भाग देंगे तब भी ये भाग हो जाएगा। तो इसे भी हम पता कर सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा उदाहरण लेके जानते हैं। मान लीजिए हमने लिया 10। तो 10 को अगर हम एक से भाग करेंगे तब भी भाग हो जाता है। 10 को अगर हम दो से भाग करेंगे तब भी ये भाग हो जाता है। 10 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तब भी ये भाग हो जाएगा। और 10 को अगर हम 10 से भी भाग करेंगे तब भी ये भाग हो जाएगा। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग हो जाती है, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने उदाहरण में देख भी लिया, जैसे 10 एक से भी भाग हो जाता है, 10 दो से भी भाग हो जाता है, 10 5 से भी भाग हो जाता है और 10 10 से भी भाग हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि यह एक भाज्य संख्या है। चलिए अब जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जाना भाज्य संख्या के बारे में, ठीक उसकी ही अपोजिट होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए अब अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो केवल एक और खुद के अलावा किसी भी और संख्या से भाग नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, वह संख्याएं जो केवल एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आपको उदाहरण की मदद से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला उदाहरण 3। 3 केवल एक और 3 से ही भाग होता है और किसी संख्या से भाग नहीं हो सकता है, इसलिए भी यह एक अभाज्य संख्या है। अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग 5। 5 एक और 5 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगा, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या होगा। तो डेफिनेशन से ही पता चल जाता है हमें कि एक और खुद, तो देख लीजिए 5 एक और 5 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम अगला लेते हैं 7, तो 7 भी एक और 7 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है।